लालची किसान। एक दिन एक किसान दोपहर के समय घर लौट रहा था, तभी उसे एक घायल मुर्गी दिखाई दी। उसने कहा, ओह बेचारी, लगता है किसी ने इसे घायल कर दिया। किसान मुर्गी को अपने घर ले आया। उसने उसके घावों पर दवाई लगाई। सुबह तक वह ठीक हो गई। सुबह होने पर मुर्गी ने एक अंडा दिया। यह क्या, सचमुच सोने का अंडा, लगता है यह कोई जादुई मुर्गी है। मुर्गी रोज सुबह सोने का अंडा देने लगी। वाह, फिर एक सोने का अंडा, अब तो मेरे पास दो दो सोने के अंडे हो गए। इन अंडों को बेचकर मैं नए कपड़े और घर का सामान खरीदूंगा। धीरे धीरे किसान के मन में लालच पैदा होने लगा। वह सोचने लगा, यह मुर्गी बहुत कंजूस है, इसके पास ढेर सारे अंडे होंगे, पर यह केवल एक एक अंडा ही देती है। किसान ने मुर्गी को धमकाते हुए कहा, सुन मुर्गी, तेरे पेट में जितने भी अंडे हो कल सुबह दे देना, वरना मैं तेरा पेट चीर कर सारे अंडे निकाल लूंगा। डर के मारे मुर्गी ने अगले दिन एक भी अंडा नहीं दिया। तब किसान क्रोधित हो गया। उसने कहा, यह क्या, आज एक भी अंडा नहीं दिया, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। किसान ने लालच में आकर मुर्गी का पेट चीर डाला। मुर्गी मर गई, उसके पेट से कोई भी अंडा नहीं निकला। तब किसान पछताते हुए बोला, हे भगवान, ये मैंने क्या किया। लालच में पड़कर रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी मैं हाथ धो बैठा, अब तो मुझे वह भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, लालच बुरी बला। हमें थोड़े में ही संतोष धारण करना चाहिए। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है।